बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ये है डेफिनेशन हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन यह है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ या विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला डेराइव करने की कोशिश करते हैं। पहले हम एक सिंपल केस लेते हैं। हमसे हमारे पास एक बॉडी है, स्मॉल एम उसका मैस है। ठीक है, दो पॉइंट्स हमने दो लेवल डिफाइन कर दिए हैं, ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सेंटर में कहीं भी किसी ऑर्बिटरी पॉइंट पे एम को हम देखें तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही होगी जो कि वेट की फोर्स होगी, या उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन की फोर्स। यानी कि वो फोर्स जिसके साथ कोई भी अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और यही जो चीज़ है, यही जो फोर्स है वो इसके वेट का बाइस बनती है। ठीक है, अब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये जो फोर्स है ये उसके ऊपर एक्ट कर रही है। अगर ऑब्जेक्ट बी पर मौजूद है और वहाँ से ए की तरफ आ रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। लिहाजा क्या होगा, बहुत ईजीली जो है वो मूव कर लेगा, उसके ऊपर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लग रही होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ए से बी की तरफ वो ऑब्जेक्ट जाए, ए पे मौजूद है, ए को हम कंसिडर कर लेते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ, अगर यहाँ से वो बी की तरफ जा रहा है तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है। अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करवाने के लिए उसको हमें जो है उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी ओवरकम करने के लिए ग्रेविटी की फोर्स को, प्लस उसको मूव करवाने के लिए अपर डायरेक्शन में। तो वो जो फोर्स है या वो जो वर्क डन है वो उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, और चूंकि अगेंस्ट ग्रेविटी है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ये है कि वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी का चेंज और जो वर्क डन है बिटवीन द पॉइंट्स ए बी वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट साइन में होंगे, लिहाजा यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास ट्रू होता है उस वक्त जब ए और बी डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन जब आ जाते हैं बड़े बड़े डिस्टेंसेज, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस सूरत में फिर ये होता है कि ये वाला जो फार्मूला है ये एप्लीकेबल नहीं होता। फिर हमारे पास जो है वो न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, वो हम अप्लाई करते हैं, और उसके लिए से मैंने ये कहा कि मेरे पास स्मॉल एम मैस का एक ऑब्जेक्ट था जो कि अर्थ के सेंटर से, जाहिर है ग्रेविटेशनल फील्ड में वो मौजूद है, लिहाजा अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। अर्थ के सेंटर से वो यहाँ पे वो मौजूद है, आर डिस्टेंस पे मौजूद है, उसकी एक इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं। ए पे वो मौजूद था तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ हम आर ए ले लेते हैं, दोनों के बिल्कुल फिर जब वो ए पॉइंट पे मौजूद है उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ आर ए हो गया, जब वो बी पॉइंट पे मौजूद है उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ आर बी हो गया। ठीक है, और ये जो है बिल्कुल बी और ए के दरमियान एक मिड पॉइंट हम ले लेते हैं, वहाँ पे उसका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट या जो ये मिड पॉइंट हमारे पास मौजूद था, इस पॉइंट पे इसके ऊपर फोर्स लग रही है एफ, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। क्या होगी, जी स्मॉल एम कैपिटल मैस ऑफ अर्थ होगी, और आर चूंकि उसका सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस है लिहाजा आर स्क्वायर आ जाएगी। अब इतनी इस पॉइंट पे ले जाने के लिए चूंकि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स उसे हमने मूव करवाया है तो उसके ऊपर वर्क डन होगा, वो क्या होगा, से मैं कहती हूँ वो डी डब्ल्यू वर्क डन है, और डी आर उसने डिस्टेंस इस दौरान कवर किया है, तो डी डब्ल्यू एफ डॉट डी आर के बराबर होता है। यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है जबकि डिस्टेंस जो है अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों के दरमियान 180 का एंगल बन रहा है। जब इसको खोलेंगे तो एफ इंटू डी आर कॉज ऑफ 180 आ जाएगा, 180 कॉज ऑफ 180 जो है वो माइनस 1 होगा, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी आर। ठीक है,
अब अगर हम इस पॉइंट से दोनों पॉइंट्स के दरमियान हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें ए से बी के दरमियान, तो हम किस तरह से करें, इंटीग्रेट कर लेंगे इसको फ्रॉम ए टू बी। बेसिकली हमारा जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है, वो डिस्टेंस है ना, लिहाजा हम डिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे और बी पोजीशन के जो पॉइंट हैं उनको आर ए और आर बी आ जाएगा। एफ की हम वैल्यू यहाँ से लगा देते हैं, जी स्मॉल एम एम ई ओवर आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस वन ओवर आर आ जाएगा, वहाँ पे हम लिमिट्स लगा देंगे आर बी ओवर आर ए, ये आ जाएगी वन ओवर आर बी माइनस वन ओवर आर ए, ये वाला माइनस जो है वो इस माइनस से कैंसल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया है वर्क डन बिटवीन ए एंड बी अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जौन सी है या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो ऑपोजिट साइन ऑफ वर्क डन है, लिहाजा हमारे पास हमने बेसिकली कैलकुलेट किया इसे आर बी माइनस आर ए, ठीक है ना। हायर पॉइंट बी है तो बी लोअर वाले की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से माइनस होगा, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। इतना वर्क डन होगा तो कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये हमें ये बता रहा है। यू आर बी माइनस यू आर ए माइनस डब्ल्यू ए बी के बराबर होगा। इस माइनस सॉरी इस डब्ल्यू ए बी की हम वैल्यू का पुट कर लेते हैं, जी एम एम ई वन ओवर आर बी माइनस वन ओवर आर ए, इस माइनस को हम अंदर ले जाते हैं, ये आ जाएगा वन ओवर आर ए माइनस वन ओवर आर बी। तो ये हमारे पास आ जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। अगर हम चाह रहे हैं हम सिर्फ एक दोनों पॉइंट की रिलेटिव जो है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये बी की पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू ए, कि ए से ऊपर कितना काम करना पड़ा और कितनी एनर्जी जो उनसी है वो उसने गेन की, अगर हम चाहते हैं कि हम सिंपल जो बी तक पहुंचने का जो काम है वो कर लें, तो फिर किस तरह से आएगा कैलकुलेट करें, तो हम एक पॉइंट को इनफिनिट पॉइंट ले लेते हैं, यानी ए पॉइंट को हम इन्फिनिट पॉइंट ले लेते हैं, तो फिर हमारे पास सिर्फ बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, यू आर बी यू आर ए जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इन्फिनिट पॉइंट की हमेशा याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है, वन ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा, वन ओवर आर बी आ गया। तो ये जो है वो बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है और ये कहलाती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऑर्बिट्ररीली हम बी का सबस्क्रिप्ट नहीं यूज़ करते, हम किसी ऑर्बिट्ररी डिस्टेंस आर पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यू आर जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम ई ओवर आर, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास अट्रैक्टिव है। दूसरा ये कि ये हमें ये बता रहा है कि अगे ऑपोजिट साइन ऑफ द वर्क डन होगी, और साथ साथ ये कि डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एनर्जी जो है वो डिस्टेंस डिक्रीज होगा, एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इस पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव ग्रेडियंट लेंगे, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास फोर्स के इक्वल होता है। अब ग्रेडियंट क्या होता है, डिस्टेंस के हिसाब से जो डेरिवेटिव होता है, तो ये डी यू ओवर डी आर हम यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि हमारा डिस्टेंस वेरिएबल डी आर है। ये वाला जो हमारी वैल्यू है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर उसका जो इसका डेरिवेटिव बेसिकली डिस्टेंस का वेरिएबल है, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं सारे, तो वो माइनस वन ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फिर आ जाएगा ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन जो है अट्रैक्टिव फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आ गई हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गई हमारे पास रिलेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।